प्रेम मंदिर सिविल लाइंस कोतवाली अंतर्गत एक गंभीर मामला जिसमें एक शख्स जिसका नाम विजय वालिया है, जिसका विवाद होली पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर अपने पड़ोसियों से हो गया था। जैसे तैसे बाद में गाड़ी के शीशे पर तोड़ने का विवाद त्योहार होने के कारण सूझबूझ से खत्म कर दिया था आपस में पड़ोसियों ने, जिसको लेकर आज विजय वालिया द्वारा पड़ोसी देवेंद्र आहूजा के साथ उनके पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये रुड़की में सिविल लाइन में प्रेम मंदिर है, उसके पास में दो पड़ोसियों का विवाद सामने आया है। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के द्वारा कोई चाकूनुमा वस्तु से उनके बच्चों पर प्रहार किया है और दोनों घायल हुए हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी तहरीर आती है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोगों का नया वीडियो भी है, इन लोगों के पास? हाँ, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये घटनाक्रम का वीडियो इनके पास में है, अगर मुकदमा दर्ज होता तो उसमें साक्ष्य के रूप में वीडियो को भी लिया जाएगा। सर, ये होली वाले दिन जो है हमारी गाड़ी हमारे घर के आगे खड़ी हुई थी, तो इन्होंने क्या करा, पहले तो उसका शीशा तोड़ दिया, लेकिन हमने जो है होली वाले दिन त्यौहार की वजह से हमने इनके ऊपर कुछ नहीं बोले, पार रफा दफा कर दी हमने। लेकिन आज दोपहर को हम जब अपनी दुकान पे गए हुए थे तो ये क्या नाम है इसका विजय वालिया जो है ये स्कूटर पर आए और हमारे बच्चे बाहर घर के बाहर खेल रहे थे, तो उनको बुला करके साइड में, और इसने जो आते ही जो है खंजर से वार किया दो बच्चों के जो है पीछे काफी। उसके कोई वीडियो वाड़ियो है? हाँ, वीडियो हमारे पास है, दोनों की वीडियो बनाई हुई है बच्चों ने। फिलहाल क्या अभी क्या कर रहे हैं, करा आपने फिलहाल? हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं थाने के अंदर और हमने एप्लीकेशन भी दे दी है कि हमारी जो है एफआईआर दर्ज करी जाए। और बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चों को अभी हमने सिविल हॉस्पिटल से जो है मेडिकल करा करके जो है अभी दोबारा एडमिट करा दिया, अभी सिविल हॉस्पिटल में उनका पेन हो रही थी। मेरा देवेंद्र कुमार आहूजा।